पांच एचपी पलवाला है थ्री फेज कनेक्शन, पांच एचपी पलवाला है लोग बोलते हैं सिंगल फेज पे आता है, लेकिन फ्रेंड जो सिंगल फेज पे आता है वो सक्सेस नहीं है, बराबर वर्क नहीं करता है। ये थ्री फेज मशीन है, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे, प्लस इसमें डबल चैम्बर है। तो आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो को देखो शुरू से लास्ट तक, और कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पांच एचपी थ्री फेज पलवाला है अंजलि का, ये है यहाँ पे, इस तरह से काफी हैवी ड्यूटी पैकिंग करके आता है। ये है पांच एचपी डबल चैम्बर पलवालाइजर, जो एक घंटे में कम से कम 50 से 60 केजी एवरेज पर आवर का रहेगा। ओके, और ये सबसे मेन चीज है, यहाँ पे आपको 100% सीधा क्लियर कट लिखा है, पांच एचपी टू इन वन पलवालाइजर, 100% कॉपर वाइंडिंग। ओके, थ्री फेज कनेक्शन, ये सिंगल फेज पे नहीं चलेगा, पावर सेवर मोटर है, 7-स्टार मोटर प्लस ISO प्लस ISI सर्टिफाइड दोनों मोटर है। ओके, यहाँ पे इसके बाद आ जाता है, यहाँ पे थ्री फेज कंट्रोलिंग पैनल, डिजिटल एम्पियर मीटर है, वोल्टेज मीटर कंट्रोलिंग रहता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं RYB, ओके, रेड येलो ब्लैक। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जितना वोल्टेज रहेगा यहाँ पे दिखाएगा एम्पियर, यहाँ पे जब भी आप मशीन को स्टार्ट करेंगे, जब भी आप चालू करेंगे तो कितना एम्पियर यहाँ पे देना है, लोड यहाँ से आपको सेट करते रहना है। ओके, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी वाइब्रेशन नॉब आ जाता है, यहाँ पे आपको लगाना रहेगा, टोटली 6 एंटी वाइब्रेशन नॉब दिए हैं यहाँ पे, आपको इस तरह से आपको लगाना है। इसके अंदर व्हील नहीं आता है, यहाँ पे एंटी वाइब्रेशन नॉब आ जाते हैं। उसके बाद कम से कम 20 से 25 किलो का होपर कैपेसिटी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 से 25 केजी का होपर कैपेसिटी है यहाँ पे। ओके, और ये है चैम्बर लॉकिंग सिस्टम, चैम्बर लॉक नॉब सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैम्बर लॉकिंग नॉब सिस्टम यहाँ पे दिया है, इस तरह से डबल लॉकिंग आ जाता है चैम्बर में। ओके, ये थ्री फेज पलवालाइजर, इसका जाली वगैरह जो सिस्टम है इसके अंदर दिया है, इसका होपर एंड कंटेनर कैपेसिटी आपको दिखा देता हूँ। इसका 10 केजी का कंटेनर डब्बा है, 7 से 10 केजी तक इजीली आ जाता है। इसके बाद ये भी पैकिंग है, आ जाता है यहाँ पे देख सकते हैं, जो जाली का साइज है 12x6 का रहेगा, इजीली हमको पता है। और चैम्बर का साइज भी आपको बता देता हूँ, डबल लॉकिंग चैम्बर दिया है काफी हैवी ड्यूटी में, डबल लॉकिंग, टोटली यहाँ पे 7 जाली आ जाता है, जैसा आप देख सकते हो टोटली 7 जाली। अगर भरण वगैरह बनाना है, कोमड़ी के लिए फीड बनाना है, तो घंटे का 100 किलो एवरेज आएगा, और नॉर्मली पीट करना है, नॉर्मली आटा करना है, एक नंबर, दो नंबर, ढाई नंबर जाली में, तीन नंबर जाली में, तो एक घंटे का 50 से 60 केजी एवरेज आ जाएगा। इस तरह से आपको जाली इस तरह यहाँ पे लगाना है, जाली चाहे इस साइड से लगाओ चाहे इस साइड से, दोनों तरफ से इजीली जाली लग सकता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैम्बर का साइज आपको बता दूँ, चैम्बर का साइज 12 इंच का है, अंदर का चैम्बर का साइज जो रहेगा आपको रहेगा, अंदर का चैम्बर डबल चैम्बर में है, तो है 8 इंच का डबल चैम्बर, अंदर का 8 इंच का चैम्बर है और बाहर का 12 इंच का चैम्बर है, इसको बोलते हैं डबल चैम्बर पलवालाइजर। एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास थ्री फेज कनेक्शन नहीं है हमारा शोरूम में, तो इसलिए हम इसको टेस्टिंग नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट ये थ्री फेज पे ही चलेगा। तो नॉर्मली ये फैक्ट्री से टोटली रेडी करके आया है, इसके कैमरामैन को एक बार बोलूँगा इसके मोटर के बारे में नीचे से
देखा सकते हो। अब दिखाओ मोटर कितना हैवी ड्यूटी थ्री फेस का बनाया हुआ है, ऊपर दिखाओ। ये है टोटल थ्री फेस कंट्रोलिंग पैनल, इसमें यहाँ दिया है आउटपुट और इनपुट। ये वायर जो आपका है इनपुट, यहाँ से आपको मीटर में से वायर डालना है और यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ से सीधा स्टार्ट यानी स्टॉप होगा। टोटली डिजिटल एम्पेयर मीटर है, यहाँ पे 1 से 25 एम्पेयर तक लोड इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे टोटली डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप इजीली रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 100% वापरो। और यहाँ पे कॉटन बैग आ जाता है 10 kg का एक्स्ट्रा, ओके। और प्लस इसके बाद कंटेनर का कॉटन बैग आ जाता है, एंटी वाइब्रेशन नॉब, क्लीनिंग ब्रश,